नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैं मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का गोरखपुर में रोड शो शुरू, योगी आदित्यनाथ भी मौजूद। गीता प्रेस समेत कई इलाकों से गुजरेगा रोड शो, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद। गोरखपुर में बीजेपी के पोस्टर हटाए गए, स्थानीय प्रशासन ने हटाए प्रचार के पोस्टर। राहुल अखिलेश पर यूपी बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का निशाना, कहा चुनाव के बाद दोनों को ढूंढना पड़ेगा, परिवारवाद भ्रष्टाचार से राज्य बेहाल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की बलिया और भदोही जिले में सभा, वाराणसी में मतदाता जागरूकता अभियान में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। यूपी में छठे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार, 7 जिलों की 49 सीटों के लिए 4 मार्च को डाले जाएंगे वोट। छठे चरण में दागियों की भरमार, बीएसपी के 49%, बीजेपी के 40 और समाजवादी पार्टी के 38% उम्मीदवार दागी। यूपी में आज राहुल गांधी की 3 रैलियां, वाराणसी और महाराजगंज जिले में करेंगे प्रचार। मणिपुर में भी आज खत्म होगा पहले चरण का चुनाव प्रचार, 4 मार्च को 38 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। रामदास कॉलेज मामले में एबीवीपी का सेफ डीयू मार्च जारी, लेफ्ट छात्र संघों को बाहर करने की मांग को लेकर हो रहा है प्रदर्शन। डीयू विवाद पर आरएसएस के सर कार्यवाह भैया जी जोशी ने कहा देश विरोधियों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। रामदास मामले पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कहा हर बार चुनाव के वक्त जानबूझकर होती हैं ऐसी हरकतें। अनिल विज के बयान पर हरियाणा विधानसभा में हंगामा, रामदास मामले में लड़की के बयान को पाकिस्तान के समर्थन वाला बताया था। विवाद के बाद अनिल विज की सफाई, कहा अब भी बयान पर हूं कायम, विरोध करने वालों को नहीं है समझ। बिहार सरकार में मंत्री जलील मस्तान के खिलाफ पटना में बीजेपी ने दर्ज कराई FIR, विरोध में बीजेपी का अब से थोड़ी देर में मार्च, पीएम के खिलाफ विवादित बयान देने का है आरोप। बिहार विधानमंडल से शुरू हुआ बीजेपी का मार्च, राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्री जलील मस्तान की बर्खास्तगी की करेंगे मांग। जलील मस्तान के बयान की तेजस्वी यादव ने की निंदा, कहा माफी के बाद विवाद खत्म होना चाहिए, बीजेपी सदन में बोलने नहीं दे रही है। सोशल मीडिया में चल रही धांधली पर जी न्यूज का बड़ा खुलासा, स्टिंग में पैसों के बदले छवि चमकाने का खेल हुआ बेनकाब। देश की 3 सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज के प्रतिनिधियों से बातचीत, खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड, पैसे लेकर फर्जी अकाउंट्स के जरिए दुष्प्रचार का खुलासा। स्टिंग पर बीजेपी नेता GVL नरसिम्हा का बयान, कहा जिनका जनाधार नहीं होता वही लोग इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। स्टिंग पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने साधा बीजेपी पर निशाना, नहीं दिया सवालों का सीधा जवाब। वित्त मंत्री अरुण जेटली का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा नोटबंदी पर जानबूझकर भ्रम फैलाया गया, अर्थव्यवस्था बढ़ने से विपक्ष परेशान। जेटली ने कहा अखिलेश और मायावती से ऊब चुकी है जनता, पीएम मोदी की नीतियों से यूपी में मिलेगी जीत। वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम की लोकप्रियता के पार्टी का विस्तार हुआ है, इसकी वजह से यूपी जीतकर विपक्ष को देंगे हर सवाल का जवाब। देश के 4 बड़े निजी बैंकों में अब सिर्फ 4 कैश ट्रांजैक्शन फी, 5वें के लिए देने होंगे 150 रुपए। रामदास विवाद के बाद कर्नाटक विश्वविद्यालय ने रद्द किया कॉन्वोकेशन, 4 मार्च को होने वाले कॉन्वोकेशन में JNU के VC जगदीश कुमार को भी बुलाया गया था। आरक्षण की मांग को लेकर हरियाणा के जाटों का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन, कई जगह लगा ट्रैफिक जाम। जाट आंदोलन की अगुवाई कर रहे यशपाल मलिक पर हरियाणा के जाट नेताओं का आरोप, कहा जाटों को भटका रहे हैं यशपाल मलिक। हरियाणा के जाट नेताओं ने यशपाल मलिक को बताया बाहरी, कहा यूपी में अपनी राजनीति चमकाने की कर रहे हैं कोशिश। जाट नौकरियों में आरक्षण, पिछले साल आंदोलन के दौरान पकड़े गए लोगों की रिहाई की मांग कर रहे हैं जाट। जाटों के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए केस वापस लेने और मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। चिट फंड के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट, सरकार पर कार्रवाई नहीं करने का है आरोप। एयर इंडिया पर लंदन से मुंबई पहुंची 80 वर्षीय बुजुर्ग को परेशान करने का आरोप, कोलकाता की कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के बाद 3 घंटे तक किसी ने नहीं ली सुध। महिला आंशिक तौर पर पैरालाइज्ड और कैंसर पीड़ित हैं, 3 घंटे तक एयर इंडिया ने न होटल का इंतजाम किया न ही दूसरी फ्लाइट उन्हें दी। महेश भट्ट से 50 लाख की फिरौती मांगने वाला पकड़ा गया, UPSTF ने की पहचान, पत्नी और बेटी को जान से मारने की दी थी धमकी। बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की कीमत में 86 रुपए की बढ़ोतरी, दिल्ली में सिलेंडर 737 रुपए 50 पैसे में अब मिलेगा। LPG सिलेंडर के दाम बढ़ने पर भोपाल में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी साइकिल से सिलेंडर लेकर पहुंचे विधानसभा, समर्थकों की भी भारी भीड़। राजस्थान के बीकानेर में गैस सिलेंडर महंगा होने पर प्रदर्शन, महिला कांग्रेस ने जताया विरोध। इंडियन नेवी हॉस्पिटल स्टेशन अश्विनी को रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने किया सम्मानित, बेस्ट आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल का दिया अवार्ड।
2008 के मुंबई हमले की फिर से हो जांच, भारत ने पाकिस्तान से कहा आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ चले मुकदमा। आतंकवादी समूह तैयार करने वाला पाक अब खुद बन रहा है शिकार, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि अजीत कुमार का बयान। यूएस हाउस स्पीकर पॉल रयान और विदेश सचिव एस जयशंकर की मुलाकात, भारत ने श्रीनिवास की हत्या का मामला उठाया। मथुरा के जवाहर बाग मामले की जांच सीबीआई करेगी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश। पीएम नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने किया अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का उद्घाटन, 100 देशों के 1200 से ज्यादा प्रतिनिधि इसमें ले रहे हैं हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में पीएम ने कहा योग समाज देश और परिवार में शांति स्थापित करने का है मार्ग। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रेसिडेंशियल वुमेन्स डिग्री कॉलेज में सिर्फ अविवाहित महिलाओं को मिलेगा दाखिला, राज्य सरकार की दलील पतियों के आने से लड़कियों का भटकता है भ्रम। आगरा में साइकिल हाईवे पर जगह जगह दरार, सिर्फ 2 महीने पहले हुआ है निर्माण। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल बादल की जीत, 46 में से 35 वार्ड में परचम। दिल्ली के उत्तम नगर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप, 3 पड़ोसियों पर आरोप, 1 पकड़ा गया। दिल्ली के सुभाष नगर में लग्जरी कार में आग लगाने की कोशिश, गाड़ी के मालिक ने सीसीटीवी में तस्वीरें देखकर मचाया शोर। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 12वीं क्लास तक लड़कियों को मिलेगा मिड डे मील, 1 अप्रैल से नया नियम लागू। दिल्ली को जैम और प्रदूषण से मिल सकती है निजात, दिल्ली में दाखिल होने वाले ट्रकों को दिल्ली पार कराने का जिम्मा लेगी रेलवे। आरक्षण के मुद्दे पर आज जाटों का दिल्ली में प्रदर्शन, दिल्ली में जरूरी चीजों की आपूर्ति बंद करने की भी चेतावनी। महाराष्ट्र के ठाणे में 6 लोग गिरफ्तार, 2,25,00,000 के पुराने नोट बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में कन्या भ्रूण हत्या, स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल को किया सील। नागपुर में पत्नी की हत्या के बाद बुजुर्ग ने लगाई फांसी, पड़ोसियों के मुताबिक ठीक नहीं थे दोनों के रिश्ते। महाराष्ट्र के अकोला के में रैगिंग का खुलासा, नवोदय विद्यालय में सीनियर छात्र ने छत से धक्का दिया। एनजीटी ने गंगा किनारे कैंपिंग पर लगाई रोक वापस ली, उत्तराखंड सरकार ने 25 जगहों पर कैंपिंग की अनुमति देने की सिफारिश की। नोएडा में 37 अरब की ठगी मामले में कसा शिकंजा, अनुभव मित्तल की कंपनी के 100 बड़े एजेंट से इनकम टैक्स विभाग करेगा पूछताछ। अनुभव मित्तल ने कंपनी में निवेश बढ़ाने के लिए बांटे थे कार और लैपटॉप, 3 से 5 लाख तक दिया था कैश, जांच में ईडी को मिली जानकारी। यूपी के झांसी में बीजेपी नेता की बेटी का हंगामा, कार से बाइक कुमारी टक्कर, विरोध करने पर दिखाया रौब। यूपी के बिजनौर में ईवीएम की सुरक्षा में लगे कर्मी को धमकी, आरोपी दारोगा और उसका चचेरा भाई गिरफ्तार। आगरा में गैस सिलेंडर से घर में लगी आग, काफी देर तक नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, लोगों ने बुझाई आग। यूपी के सहारनपुर में स्कूल की बड़ी लापरवाही, छुट्टी के बाद क्लासरूम में ही रह गई छात्रा, मेन गेट पर भी लगा था ताला। यूपी के ग्रेटर नोएडा में शाही शादी, हेलीकॉप्टर से दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा, घर के पास बनवाया हेलीपैड। यूपी के मिर्जापुर में शिक्षा विभाग का अजब खेल, 2 महीने बाद ही छात्रा से वापस ले लिया गया समाजवादी लैपटॉप। यूपी के गोरखपुर में सीआरपीएफ और राजस्थान आर्म्स के बीच फायरिंग, 1 जवान अस्पताल में भर्ती। यूपी के बागपत में हाईवे पर लूट, बदमाशों ने विदेशियों को बनाया निशाना। यूपी के फरुखाबाद में 7 महीने के भ्रूण को कुत्ते खा गए, कूड़े के ढेर पर पड़ा था ये भ्रूण, इलाके में है कई नर्सिंग होम। मध्य प्रदेश के सीहोर में विवाहित महिला के साथ गैंगरेप, 5 लोगों पर गैंगरेप का आरोप, पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में आज शुरू हो रही है 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं, परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। उज्जैन में आरएसएस प्रचारक कुंदन चंद्रवत का विवादित बयान, कार्यकर्ताओं को केरल के मुख्यमंत्री के सिर के बदले 1 करोड़ रुपए देने का ऑफर। केरल में आरएसएस कार्यकर्ता पर हमले और हत्या के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन, नीलम पार्क में बड़ी संख्या में मौजूद है संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता। राजस्थान के प्रतापगढ़ में रिश्वत लेते 2 अधिकारी गिरफ्तार, दोनों अफसर दूरसंचार विभाग में हैं तैनात। एमपी के मुरैना में 12वीं के एग्जाम के पहले दिन खूब हुई नकल, 47 छात्र पकड़े गए। एमपी के देवास में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्रों की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के झाबुआ में रंगे हाथों पकड़ा गया चोर, लोगों ने कर दी पिटाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में दलित महिला से रेप, बीजेपी नेता भोजपाल पर आरोप। गुजरात के नवसारी में नोटों की बारिश, लोकगीत के कार्यक्रम में उड़े लाखों रुपए। बिहार के समस्तीपुर में टीचर पर छात्रों से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी शिक्षक फरार। उरी में हथियारों की तस्करी में पकड़े गए ट्रक ड्राइवर को घरवालों ने बताया बेकसूर, पुलिस को ट्रक से मिले थे हथियार। कर्नाटक के गुलबर्गा में लेडी टीचर ने 17 साल के छात्र को किया अगवा, टीचर पर जबरन संबंध बनाने का आरोप, केस दर्ज। नैनीताल जू में 7 साल के बंगाल टाइगर की हालत में सुधार, तबियत बिगड़ने के बाद डॉक्टरों का पैनल लगातार रख रहा है उस पर नजर। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में 150 नए डॉक्टरों की होगी भर्ती, दूर के इलाकों में काम करने के लिए भरवाया जाएगा 5 साल का वार्ड।
संगम नगरीदाबाद में विज्ञान के महाकुंभ का आगाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए आविष्कारों पर होगा मंथन। इलाहाबाद में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों को मिलेगा इनाम, छात्रों के ड्रॉप आउट लगातार कम होने पर मिलेगा मेडल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हिप हॉप म्यूजिक का क्रेज, नए शौक में भविष्य की भी तलाश। श्रीलंका नेवी ने दो नाव में सवार रामेश्वरम के 13 मछुआरों को पकड़ा, मछुआरों पर श्रीलंका की समुद्री सीमा में घुसने का आरोप। काबुल बम धमाके में मरने वालों का आंकड़ा 22 तक पहुंचा, कल हुए धमाके में 119 लोग हुए थे घायल। काबुल आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत, आत्मघाती हमलावर ने पश्चिमी काबुल में थाने को निशाना बनाया। भारत ने काबुल में हुए हमले की निंदा की, कहा भारत भी रहा है आतंकवाद का शिकार, इसलिए दर्द समझ सकता है। मोसुल में गठबंधन सेना की अगुवाई में ISIS आतंकियों का सफाया, मोसुल की आखिरी सड़क को मुक्त कराया। आतंकी संगठन ISIS के चीफ बगदादी ने इराक में मानी हार, कहा आतंकी या तो खुद को उड़ा लें या अपने देश वापस चले जाएं। ब्राजील के साओ पाउलो में आग ने मचाई तबाही, दर्जनों घर जलकर खाक हो गए, हादसे की वजह का पता नहीं। पेरू में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाके पानी में डूबे, लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद। चीन के हेनान में रेस्क्यू टीम ने महिला को खुदकुशी से रोका, नौवीं मंजिल की खिड़की से कूदने की कोशिश कर रही है। ग्रीस की राजधानी एथेंस में सरकार का विरोध, 2000 से ज्यादा लोग सड़क पर उतरे। मैसिडोनिया में राष्ट्रपति के समर्थन में रैली, राष्ट्रपति ने सोशल डेमोक्रेट्स के सरकार बनाने पर रोक लगाई। सियोल में जापान के विरोध में रैली, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है साउथ कोरिया। मेक्सिको के हिंसा प्रभावित वेराक्रूज में 11 शव मिलने से हड़काम, शवों पर चोट के निशान। बेंगलुरु टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, 4 मार्च से बेंगलुरु में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच।